अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम करता हूँ कदीर मुनीर यूट्यूब चैनल में। एहसास यानी कि मजदूर का एहसास प्रोग्राम जो शुरू किया गया, इसमें हर एक गरीब को 12,000 रुपये दिया जा रहा है। इससे पहले एहसास प्रोग्राम आया था जिसमें 12,000 रुपये हर बंदे को दिया गया है, यानी कि हर खानदान में एक फर्द को दिया गया है। काफ़ी लोग इसको मजाक समझ रहे थे, इसका मजाक उड़ा रहे थे, और जब काफ़ी लोग 12,000 रुपये लेकर घर आ गए तो बाद में उन लोगों ने जो है ट्राई किया कि यार हम भी इसमें रजिस्ट्रेशन करते हैं, क्या पता हमें भी पैसे मिल जाएं। जब उन लोगों ने रजिस्ट्रेशन करना चाहिए तो वो डेट एक्सपायर हो चुकी थी। लिहाजा इन चीज़ों का मजाक ना उड़ाया करें, ठीक है। अगर ये प्रोग्राम लॉन्च हो चुका है तो आप गरीब हैं तो इसमें ज़रूर अप्लाई करें, और आपके इर्द गिर्द कोई गरीब रह रहा है तो उसका जो है उसकी सारी डिटेल लें, उसकी इसमें रजिस्ट्रेशन लाजमी किया करें। आज की इस वीडियो में आपको एहसास यानी कि मजदूर का एहसास प्रोग्राम की एक न्यू अपडेट भी आ गई है, उसके बारे में भी आपको बता देता हूँ, और अगेन आप लोगों को बता देता हूँ इसमें आपने रजिस्ट्रेशन कैसे करनी है। तो बिना आपका टाइम वेस्ट के आज की इस वीडियो का आगाज़ कर लेते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले सबसे अहम काम पहले किया करें, अभी मैं आपको बता देता हूं आपने क्या करना है। दोस्तों, आपको वीडियो के नीचे लाइक का बटन नज़र आ रहा है, इसे प्रेस करें, और साथ ही आपको यहां पर सब्सक्राइब का बटन नज़र आ रहा है, इसे आप प्रेस कर दें। इसे प्रेस करने के बाद साथ आपके पास बेल आएगी, इस पर क्लिक करेंगे, तीन ऑप्शन आएंगे, आपने पहले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। ये काम आपने लाजमी करना है, ठीक है। वीडियो देख रहे हैं अभी कर दें ताकि आपको ऐसी वीडियो जो है वो मिलती रहें। अब दोस्तों, आपको बताता हूँ कि जो वेबसाइट मैं आपको बताने जा रहा हूँ, जो न्यू वेबसाइट आई है ख़ास तौर पर मज़दूर लोगों के लिए, और उसकी जो न्यू अपडेट आई है वो भी आप लोगों को बता देता हूँ। इस वेबसाइट का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया, वहाँ से आप ओपन कर सकते हैं। न्यू अपडेट के बारे में भी आप लोगों को बताता हूँ। सबसे पहले आपको इस वेबसाइट के बारे में बता दूँ कि इसे आपने कहाँ से ओपन करना है। इस वेबसाइट का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया, डिस्क्रिप्शन का नहीं पता है तो आप सिंपली वीडियो के टाइटल पर क्लिक करना है। ये जो आपको टाइटल नज़र आ रहा है इस पर आप जैसे क्लिक करेंगे नीचे पैराग्राफ ओपन हो जाएगा, तो यहाँ पर आपको फ्री रजिस्ट्रेशन लिंक यानी कि वेबसाइट का लिंक मिल रहा है। आपने इस ब्लू लिंक पर क्लिक करना है, वेबसाइट को कर लेना है ओपन। जैसे दोस्तों आप इस वेबसाइट को ओपन करेंगे इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। अब दोस्तों आपको इनकी न्यू अपडेट बता हूं जिससे काफी गरीब लोगों को फायदा होने वाला है। दोस्तों अभी जो है वो न्यू अपडेट में इन्होंने ये कहा है कि आप जो भी शिनाख्ती कार्ड नंबर इंटर करते हैं उसे हम नादरा में चेक करेंगे क्या ये वाकई एक गरीब बंदे का आईडी कार्ड है या नहीं है। क्योंकि ऐसा होता था कि काफी लोग अपना जो अमीर लोग होते थे जिनकी जॉब है या बिजनेस है या कोई काम कर रहे हैं सरकारी उनकी जॉब है, वो भी अपना आईडी कार्ड इंटर कर देते थे और वो भी पैसे जो है वहां से निकाल लेते थे। अब ऐसा नहीं होगा, आईडी कार्ड को नादरा से गुजारा जाएगा और नादरा में पता चल जाएगा कि ये एक गरीब बंदा है या नहीं है। तो गरीब लोगों का हक जो है वो इंशाल्लाह उनको मिलेगा, कोई अमीर या बिजनेसमैन या सरकारी जॉब यानी कि मुलाजमत बंदा जो है वो इससे पैसे नहीं निकाल सकेगा। ओनली एक दिहाड़ीदार खेती बाड़ी करने वाला या एक मजदूर कसान यानी कि वो पैसे आसानी से इसे ले सकते हैं। इस वेबसाइट का लिंक मैंने आपको बता दिया कैसे आपने इसे ओपन करना है, डिस्क्रिप्शन में मैंने दे दिया, वहां से आप इसे ओपन करें। सबसे पहले तो दोस्तों आपने आईडी कार्ड नंबर लिखना होता है, यहां पर आपने आईडी कार्ड नंबर लिखना है। उसके बाद मोबाइल ऑपरेटर जो भी जिस नेटवर्क की आपके पास सिम है वो आपने सेलेक्ट कर लेंगे, टेलीनॉर, वारद, जोंग, यूफोन, मोबलिंग। तो वारद यहाँ पर मैं टेलीनॉर को सेलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पर दोस्तों आपने मोबाइल नंबर इंटर करना है और यहाँ पर जो ऊपर लिखा हुआ है NUD वो आपने यहाँ पर लिखना है और तस्दीक करें पर क्लिक कर लेना है। तो मैं जल्दी जल्दी से लिख कर आप लोगों को नेक्स्ट करके दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर दोस्तों मैंने शिनाख्ती कार्ड नंबर लिख दिया, मोबाइल ऑपरेटर भी सेलेक्ट कर लिया, मोबाइल नंबर भी लिख दिया, और ये जो ऊपर कैप्चा लिखा हुआ है इस कैप्चा में ये बताया गया है कि यहाँ पर जो भी लिखा होता है वो आपने नीचे लिखना होता है, ये आपकी तस्दीक करते हैं। आपने NUD या जो भी यहाँ पर लिखा हुआ आपको नजर आता है वो लिखना है और तस्दीक करें पर आपने क्लिक कर देना है। तो जैसे तस्दीक करें पर क्लिक करेंगे ये कह रहे हैं शिनाख्ती कार्ड नंबर 1 आपका वज़ीर आज़म के कोड, यानी कि ये सब कुछ आप लोगों को बता रहे हैं, ठीक है। ये कह रहे हैं कि तस्दीक के बाद आपको आगाह कर दिया जाएगा, ऊपर जो है उन्होंने सारी डिटेल बताई है। तो पहले दोस्तों क्या होता था कि आपको सारी डिटेल देनी पड़ती थी, अब सिर्फ आपने अपना आईडी कार्ड नंबर देना है, मोबाइल नंबर देना है, मोबाइल ऑपरेटर यानी कि ये सारी चीज़ जो है वो करके आपने तस्दीक करें पर क्लिक कर देना है। अच्छा, पहले क्या होता था कि वो आपसे पूछते थे कि आप किसके पास काम कर रहे हैं, उसका मोबाइल नंबर दें, ये वो सारी डिटेल पूछ रहे थे। लेकिन अभी इन्होंने न्यू अपडेट मैंने आपको बता दिया ना कि न्यू अपडेट इनकी आ गई है कि नादरा की मदद आपकी वेरिफिकेशन की जाएगी, आपको सारी डिटेल देनी नहीं पड़ेगी कि आप किसी के पास काम कर रहे थे, किसी के पास काम नहीं कर रहे थे, आपकी एज क्या है, आपकी मैरिज है या आप अनमैरिड हैं, जेंट्स, ये सब कुछ नहीं पूछा जाएगा।
ओनली दोस्तों अब आपसे शनाख्ती कार्ड नंबर पूछा जा रहा है मोबाइल ऑपरेटर के किस नेटवर्क की सिम है, वो नंबर आपने नीचे लिखना है और ये कैप्चा अब लिखा हुआ है एट एच पी, तो यहाँ पर आपने 8 HP यानी कि 8 HP लिखना है और तस्दीक करें पर क्लिक कर देना है। सिंपल आपने यही काम करना है और आपकी इसमें रजिस्ट्रेशन हो जाएगी। इसके अलावा इन्होंने नीचे एक नोटिफिकेशन छोड़ा हुआ है, ये भी आप पढ़ सकते हैं। तो ये नादरा की मदद से सब कुछ किया जाएगा और आपने जो भी नंबर दिया होगा उस पर आपको मैसेज रिसीव होगा या कॉल करके बता दिया जाएगा कि आप अहल हैं या नहीं अहल हैं, ठीक है, क्योंकि ये सारा निज़ाम अब नादरा ने संभाल लिया। तो फौरन आपको मैसेज करके बता देंगे, अहल होंगे तो आपको 12,000 रुपये वाला मैसेज सेंड कर देंगे, वो 12,000 रुपये आप HBL ATM में जाकर ले सकते हैं। सारा वही तरीकाकार है जो कि आपने एहसास प्रोग्राम से लिया था, ठीक है, एहसास अमदाद प्रोग्राम से, यानी कि आप HBL ATM में जाते थे, वहाँ पर डबल स्क्रीन पर क्लिक करते थे, आपके पास दो ऑप्शन आते थे, ठीक है, वहाँ पर आपको अब आपको एहसास मजदूर प्रोग्राम नज़र आएगा, उस पर आपने क्लिक करना है, आपने अपना आईडी कार्ड नंबर देना है, आईडी कार्ड नंबर देने के बाद आपने अपना थंब वेरिफिकेशन यानी कि थंब लगाना है, नीचे आपको थंब वाला ऑप्शन नज़र आएगा, उस पर दोस्तों आप जैसे ही थंब लगाएंगे तो आपकी वेरिफिकेशन हो जाएगी, 12,000 रुपये उस टाइम ATM से निकल आएगा, वो आप हासिल कर सकते हैं। बाकी पैसे निकालना मुश्किल काम नहीं है, और यार अगर आपके इर्द गिर्द कोई गरीब रह रहा है तो उसकी ज़रूर हेल्प करें, क्योंकि अब उन्होंने काम बहुत ही आसान कर दिया है। सिंपली आपने उसका आईडी कार्ड नंबर एंटर करना है, मोबाइल नंबर एंटर करना है और बस तस्दीक करें पर क्लिक कर देना है, अब आपसे कुछ भी नहीं पूछा जाएगा। ये इनकी न्यू अपडेट आ गई। अगर आप मेरी पिछली वीडियो देखें तो उसमें काफ़ी डिटेल पूछ रहे थे और काफ़ी लोग परेशान हो रहे थे कि यार हमें ये सारी डिटेल देनी पड़ेगी, हम तो किसी के पास काम ही नहीं करते हैं और उसका मोबाइल नंबर हम कहाँ से लाएँ, यहाँ पर क्या चीज़ हमने एंटर करनी है। तो इसी वजह से अब एहसास मजदूर प्रोग्राम ने आप लोगों के लिए काफ़ी आसानियाँ पैदा कर दी हैं। तो आज के लिए इतने, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, कोई भी क्वेश्चन आपके माइंड में हो कमेंट जरूर कीजिएगा। आज के लिए अल्लाह हाफिज़।